तुम जीतो यारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, दिल से प्यार है। तो भाई आज भी हम अपनी टीम के साथ खड़े। अच्छा ठीक है, वो हारे या जीते हमें उससे प्यार है। ठीक है ठीक है, वो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर नहीं पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तान कहते हैं। तो भाई हम हारे या जीते, हमारी जो जीत थी वो तो हो चुकी थी, आपको पता ही है। कैसे? तुम्हें नहीं पता? नहीं। तुझे पता है? हाँ ना, हम हारे मैच है मगर अवाम के दिलों में जीत गए हम। सही बात है, सही। और एक चीज और, हमारी जीत तो तभी हो गई थी जब इंडिया बाहर हो गया था। ये था सही, वो तो वे भी हमारी जो टीम है हमारे दिलों में अभी भी है। ठीक है ठीक है, समझ गया। लेकिन हमारी जो असल जीत थी वो थी इंडिया को बाहर बाहर करना। इंडिया बाहर हो चुकी थी तो वहीं से हमारी जीत थी। हमें ये जो आखिर में इंग्लैंड के साथ हमारे फाइनल, तो इससे हमारा वो था नहीं लेना देना, क्योंकि हम वैसे जीत चुके थे। हम जीते हैं, आ रहे हैं, बस हमें तुमसे प्यार है यार। वो शाइन का तूने स्पेल दिखा था, क्या बॉलिंग थी यार उसकी, सब बॉलरों की क्या बॉलिंग थी वाकई। हारिस नसीम उसकी बॉल देखी थी, कैसी आउट स्विंग हो रही थी यार, नजर ही नहीं आ रही थी भाई। वो चौथा बैन स्टॉक, वो तो परेशान हो गया, वो आज उसको बोल रहा भाई नजर ही नहीं आ रही, बॉल जो जा रही है। वेल प्लेड हारिस रऊफ की यार, फील्ड चेक कर रहा था वो बाउंड्री के ऊपर, उसने ऐसे डाइव मारी, ऐसी डाइव मैंने अभी तक नहीं देखी, इतने प्रेशर की जो डाइव थी, और उसने उंगलियों से रोकी बॉल। जो बात है शदाब ने इतना अच्छा खेला, शदाब इतना अच्छा खेला है। सही, शान मसूद ने इतनी अच्छी बैटिंग करी, मोहम्मद हारिस ने इतनी अच्छी बैटिंग करी, रिजवान के साथ थोड़ा सा बैड लक हो गया, वरना तो वो और भी अच्छा, वो भी अच्छी बैटिंग करने वाला था, परफॉर्मेंस वो भी देता। और अपना बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला, बैटिंग कर रहा था वो कैच आउट हो गया, कैच आउट हो गया था। वो जाहिर सी बात है, होता है, गेम का हिस्सा है। तो भाई ये सब गेम का हिस्सा है, ठीक है, हम तो इसको गेम समझते हैं, गेम की तरह देखते हैं। हम अपने जो टीम को अब भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ खड़े, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी टीम के बारे में अगर हार गई तो उल्टा सीधा कह रहे हैं, ठीक है भाई। हम कभी भी जो है अगर आपका मैच देखने जाए इंडिया वालों का और हमारी टीम ना हो तो हम कभी भी उसके खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे। तो भाई कुछ सुनाई आएगा मेरे बारे में हमें कि भाई मैच है, मैच को मैच तक रखना है, सही बात है, बस मैच को मैच की नजर से देखो। और वो हारे मैदान में लेकिन जीते हुए हमारे दिल में अभी भी, अभी भी दिल में। भाई हम हारे हैं लेकिन वैसे नहीं हारे, कैसे? जैसे इंडिया वाले आ रहे हैं कि 2-11 पे भारी। अबे कुत्तों वाली क्या बात है सर, कुत्तों वाली आ रहे हम लोग, सही बात। पता है ना फेस किया पाकिस्तान ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। और वो हार्दिक पांडे क्या कर रहा था, आली बना रहा छक्का लग रहा था भाई, मैच खेलने बैठे क्या, लास्ट चैलेंज चल रहा था, क्या चल रहा था। कपिल शर्मा को देख लिया वो उसने, मुझे भी लग रहा है वो कपिल शर्मा का शो देख के गया होगा मेरे ख्याल से। वो भाई मैच खेलने गए थे क्या, पब्लिक को एंटरटेन करने गए थे क्या, कपिल शर्मा का शो देखने गए थे क्या, वो ठुको ताली क्या ये चल रहा था वहां पर। तो भाई ये क्या, आज भी हम लोग अपनी टीम के साथ ही, आगे इंशाल्लाह आगे जितने भी आएंगे ट्रॉफी आएंगी, वर्ल्ड कप आएंगे, जो भी आएंगे इंशाल्लाह हमें अपनी टीम पे भरोसा है, पाकिस्तान के साथ ही है और आगे भी वो जीतेगी इंशाल्लाह। तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुम्हें प्यार है। ठीक है, समझ गया, खुदा हाफिज़।